Assalamualaikum. भजन आज संडे 13th June. तो भाई आपका आज उठा है मॉर्निंग में सुबह सुबह फजर से पहले फजर की नमाज पढ़ी है. तो नमाज पढ़ के तो फौरन से भाई निकल गया है, बीच पे आया है, मार्ट है बीच ईस्ट ऑकलैंड में. सोचा था सनराइज का जरा टाइम लैप्स बनाएंगे, कभी पहले बनाया नहीं था, फर्स्ट टाइम टाइम लैप्स बनाना था. तो टाइम लैप्स बन रहा है दूसरी जगह पे, आपको अभी नज़र नहीं आएगा कैमरे में. तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा आज प्लान था एक जगह पे जाने का, जगह का नाम है हनुमा फॉल्स. उसकी कुछ सुपरस्टिशियस स्टोरीज हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वहाँ जाके एक्सपीरियंस भी करेंगे. आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा जाके वो जगह पे, फिर आप खुद ही देख लेना स्टोरी सुन के कि भाई क्या क्या फिल्में चलती हैं या क्या क्या कहानी चलती है हनुमा फॉल्स के बारे में. तो मिलता हूँ फिर हनुमा फॉल्स में. ओके देन, बाय. ये है भाई हनुमा वाटरफॉल, वी ऑलमोस्ट देयर. सो स्टे विद मी, आई विल शेयर द क्लोज फोटोज एंड वीडियोस विद यू गाइस, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली द स्टोरीज अबाउट हनुमा फॉल, द स्केरी स्टोरीज. पहुंचने वाले हैं हनुमा फॉल्स पे. तो इजी रास्ता था, 15-20 मिनट लगे हैं. डिफरेंट ट्रैक्स हैं, वी कैन गो देयर, बट आई चूज नॉट टू. फैमिली साथ थी तो मैंने कहा बस सीधा वहाँ जितनी जल्दी पहुँच सकते हैं पहुँचें. तो स्टोरी हनुमा फॉल की मैंने आपसे कहा था कि बताऊँगा. स्टोरी कुछ ऐसी है कि यार यहाँ पे ना दो ट्राइब थे, मिल के रह रहे थे. एक ट्राइब का नाम था हनुमा, तो हनुमा और दूसरे ट्राइब की हो गई लड़ाई. अब जब हो गई लड़ाई तो सेपरेटली रहना शुरू कर दिया दोनों ने. सेपरेटली रहने के बाद हनुमा की बेटी थी और दूसरे ट्राइब का एक लड़का था, उनका हो गया इश्क, मटक्का हो गया आपस में ना, इश्क ऐसे जैसे भी बनाते हैं, प्यार मोहब्बत होगी बड़ा लुंकी ना. तो मोहब्बत होने के बाद सीन कुछ ऐसा था कि अब उनकी मोहब्बत हो गई तो प्यार मोहब्बत इतना बढ़ गया कि उन्होंने भागने का फैसला कर लिया. प्यार मोहब्बत उनका इतना बढ़ गया कि भागे जनाब साहब. भागने के बाद हनुमा अपने ट्राइब का चीफ था, उसने कहा इज्जत पे बात आ गई है. जब बात आ गई इज्जत पे तो बाप ने तो पकड़ लिया बेटी को, जहाँ से मर्जी ढूंढ के लाना पड़ता, चाहे न्यूजीलैंड के किसी भी कोने से ढूंढना पड़ता, बाप ने तो ढूंढ लेना था. फिर तो इज्जत की खातिर उसने जनाब साहब इस वाटरफॉल में उसको डुबोया था. तो अब उसकी रूह जो है वो तड़प रही है. यहाँ पे तकरीबन 16 बंदे और सब के सब यंग मैन, they died here recently, not recently but in past years.
अभी तक 16 डेथ्स हो चुकी हैं। लोगों के मुताबिक हलुआ की बेटी की जो रूह है वो अभी तक सच्चे प्यार के तलाश में है। सच्चा प्यार उसको अभी तक नहीं मिला। 16 लोगों की जान ले गई है लेकिन अभी तक उसको प्यार नहीं मिला। तो प्यार के लिए अभी कोशिश जारी है, इसलिए मैं आज स्विमिंग नहीं करूँगा। वैसे भी भाई को स्विमिंग आती नहीं है, लेकिन छोटी मोटी डुबकियाँ लगा लेता है, लेकिन आई एम नॉट गोना स्विम टुडे जस्ट टू बी सेफ। आई एम मैरिड सो आई डोंट वांट टेक द रिस्क। ऐसे ही आपका भाई को पसंद कर लिया उसने तो फिर। और दूसरा ये कि यार यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह भी लोगों ने काफ़ी की हैं कि व्हेन दे कम हियर टू मेक वीडियो एंड स्टफ दे हियर सम ओल्ड वॉइसेस व्हिच इज स्केरी, बट आई डोंट लिसन टू दोज काइंड ऑफ थिंग। जिन पे तो हम यू नो बिलीव करते हैं, मुस्लिम है तो जिन वगैरह पे तो बिलीव करते हैं एंड आई डू टू, लेकिन इस तरह की मुझे पता है यार स्टोरियाँ बड़ी चलती हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि क्या यहाँ की स्टोरीज थी, बाकी आप पे आपने यकीन करना है या नहीं करना, इट्स ऑल अप टू यू। तो चलते हैं फिर फॉल की तरफ चलते हैं। ओके फिर मिलते हैं फॉल पे।